चुनावों के शोर में दब के रह गया एक महिला डॉक्टर की मौत का मामला। शोक में डूबा मृतक का परिवार। अपनी बहन के हथियारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने के चक्कर काट रहे हैं परिजन। ऐसा देखने को मिला है कि चुनावों के शोर में पुलिस इस मामले में ठंडी पड़ गई है। दरअसल कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 की रहने वाली महिला डॉक्टर ललिता की 2 जनवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। डॉक्टर ललिता की शादी कुरुक्षेत्र के नामी डेंटल सर्जन डॉक्टर अनुराग कौशल से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद ही ललिता को प्रताड़ित किया जाने लगा। कई बार झगड़े, फिर सुलह, सफाई हुई और आखिरकार 2 जनवरी 2019 को डेंटल सर्जन ललिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। ललिता के परिजनों का आरोप है कि ललिता के पति व ससुराल वाले उसकी मौत के जिम्मेवार हैं। चलिए देखते हैं परिजनों का इस मामले पर क्या कहना है। मैं लड़की का भाई हूँ, प्रवीण मल्होत्रा है मेरा नाम। और जिस दिन से मेरी बहन की शादी हुई है तब से इन्होंने तंग करना शुरू किया हुआ है। इवन शादी वाले दिनों से जब तैयारी थी तब से इनकी शुरुआत हो गई थी। जब हम त्यार शादी के बाद लोहड़ी वाले दिन पहले दिन गए 1.5 महीने के बाद, तब भी इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इवन मेरे मम्मी को बहुत बुरी तरह रुलाया गया इनका। तब इन्होंने हमें साफ बोला, आपको पता है कि आपका जवाई बहुत तेज है, यदि आप ये सारी चीज़ें नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत तंग किया जाएगा। कौन सी चीज़ें? इन्होंने हमारे से डोरी डिमांड वगैरह की थी, माइक्रोवेव वगैरह की डिमांड की। और उसके बाद हमारा ये 4.5 साल हमारी बेटी अलग से भी रही। इस दौरान जब अलग हुई थी उससे पहले इन्होंने बहुत मार कुटाई की। इवन एक बार उसका सर दीवार के साथ जोर से बालों से पकड़ के मारा गया उसको। तो उसके बाद इनके जितने रिश्तेदार हैं, बहुत बार रिश्तेदार इनके इकट्ठे हुए, कॉम्प्रोमाइज़ करा के, समझौता करा के लेके गए, हमारे से माफ़ियाँ मांग कर गए कि आज के बाद ऐसी हरकतें नहीं होंगी। लेकिन यही हरकतें बार बार दोहराई गई, बहुत बार दोहराई गई। इनके बहुत सारे रिश्तेदार कॉम्प्रोमाइज़ करके गए। इवन जिस दिन हम लोग यहाँ पर आए हैं उस दिन हमारे इनके जितने रिश्तेदार थे, इनको इन्होंने हम पर बहुत प्रेशराइज़ किया कि आप पोस्टमार्टम मत करवाओ, हमें संस्कार करने दो, कि हमें बहुत जल्दी है इसकी संस्कार करने की। तो इस तरह से हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया संस्कार। लेकिन लड़की के जैसे कि मुँह से झाग निकल रही थी तो हमें पूरा यकीन था कि इन्होंने लड़की को हमारा मारा है। और उसी दौरान इसीलिए हमने पुलिस को बुलाया, पोस्टमार्टम करवाया गया। लेकिन पोस्टमार्टम में भी पोस्टमार्टम के लिए जब पुलिस बुलाई तब भी पुलिस ने इनको अरेस्ट नहीं किया। उसके बावजूद उन्होंने बोला कि जब हमारे पास FSL की रिपोर्ट आएगी उसी के बाद हम इनको अरेस्ट करेंगे यदि पॉइजन पाया गया। तो FSL की रिपोर्ट भी आ चुकी है, पॉइजन भी निकल चुका है, सारे हम पुरानी FIR दे चुके हैं जिसमें लड़के को जेल भी हो चुकी थी पहले भी, वो भी हम लगा चुके हैं सारा। ये इसी मारकुटाई के चक्कर में हुई थी इसको सज़ा, डोमेस्टिक वायलेंस के चक्कर में हुई थी। अभी स्टेटस ऐसा है कि 2 तारीख की FIR दर्ज हो चुकी है, थानेसर सिटी में हुई है और कुरुक्षेत्रा में हम SP साहब से भी मिल चुके हैं। लेकिन अभी तक ये है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, अरेस्ट क्यों नहीं हो पाई, इस चीज़ों के हमें जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।